नमस्कार। आज हम गणित के एक वर्किंग मॉडल की मदद से चतुर्भुज के सभी प्रकारों के बारे में सीखेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में सीखेंगे। जैसा कि आप इस मॉडल में देख सकते हैं, हमने यहां पर कुछ प्लास्टिक पाइप्स को कवर करके उन पर स्केल अंकित किया है, रूलर अंकित किया है, जिससे कि इन पाइप्स की एक दूसरे से दूरी को हम ज्ञात कर सकें। इन्हीं के बीच में हमने स्लिट लगाकर नट्स फिट किए हैं, ताकि इन पाइप्स को हम एक दूसरे के पास भी ला सकें और एक दूसरे से दूर भी लेकर जा सकें। इस प्रकार से हम इन पाइप्स के जरिए चतुर्भुज की चारों भुजाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आप देखेंगे कि जहां भी दो भुजाएं आपस में मिल रही हैं, वहां हमने स्क्रू की मदद से एक डी भी फिक्स की है, ताकि ये भुजाएं आपस में कौन कौन सा कोण बना रही हैं, वो भी हम साथ में देख सकें। इस प्रकार मान लीजिए, सबसे पहले मैं इन भुजाओं को घुमाकर एक समांतर चतुर्भुज बनाता हूं। जैसे आप यहां देख पा रहे हैं कि इन भुजाओं को घुमाने से हमने यह एक समांतर चतुर्भुज बनाया है, जिसमें कि यह भुजा इस भुजा के समांतर और यह भुजा इस भुजा के समांतर है। यदि हम डी की मदद से, क्योंकि यह समांतर चतुर्भुज है तो यह भुजा इसके समांतर होगी, जिससे कि यह कोण और यह कोण, ये दोनों कोण आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे, जो कि हम डी की मदद से देखकर वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसी तरह से अभी हमने सिर्फ एक समांतर चतुर्भुज बनाया है, हम समांतर चतुर्भुज की सभी प्रॉपर्टीज यहां पर वेरीफाई कर सकते हैं। यदि हम इनके विकर्णों को देखेंगे तो विकर्णों की प्रॉपर्टीज, इनके सभी कोण, अपोजिट कोण्स, भुजाओं की लंबाई, सभी कुछ हम यहां पर चेक करके यह ज्ञात कर सकते हैं कि यह आकृति एक समांतर चतुर्भुज है। इसी प्रकार से हम इन्हीं पाइप्स को घुमाकर, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, हमने एक समलंब चतुर्भुज बनाया है, और इसी प्रकार से हम इन पाइप्स को घुमाकर हमने अभी यह एक आयत बनाया है। और इसी प्रकार से हम इन पाइप्स को थोड़ा सा आपस में घुमाकर और अभी यह हमने एक वर्ग बनाया है। तो देखा आपने, प्लास्टिक की पाइप्स को मार्किंग के साथ डी की मदद से हम इस एक ही मॉडल में चतुर्भुज के सभी प्रकार सीख सकते हैं और उन सभी प्रकारों की सभी प्रॉपर्टीज के बारे में जान सकते हैं।